नमस्कार, जीरो पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक। कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत को भांपते हुए राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी कर दी और तमाम पाबंदियां लागू कर दी। महाराष्ट्र में बीएमसी ने अपने क्रिसमस और नए साल के पार्टियों पर बैन लगा दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा, गुजरात, यूपी समेत दूसरे राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। और इधर हम आपको बता दें, इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऑड इवन नियम के साथ ही अपना आने का फैसला शुरू कर दिया। जवानी अपने अपने राज्यों का अपडेट। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब बीएमसी आयुक्त ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसमें खुली और बंद जगहों पर लोगों के लिए हत्या के लिए कर्फ्यू नाइट जारी कर दिया गया और यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू कर दिया गया है। यह पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे सुबह 6 बजे तक 5 लोगों की अधिक से इकट्ठा होने का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता प्रणाली के साथ ही प्रभारी हो गई है। गुजरात में सरकार ने आज से शहरों में रात के साथ ही कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ा दी है। राज्य के गृह विभाग के द्वारा जारी कर एक आदेश में कहा गया कि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नया नियम 25 दिसंबर यानी आज से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर के साथ ही भावनगर और गांधीनगर शहरों में लागू हो गया है। हरियाणा के साथ ही राज्य में शनिवार से रात 11 बजे से 5 बजे तक रात का नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इंडोर आउटडोर आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या के क्रमशः 200 से 300 लोगों तक सीमित कर दी है। इसमें प्रतिबंध शनिवार से लागू हो गया है और 5 जनवरी तक लागू रहेंगे। 1 जनवरी से सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिबंधित के साथ ही संबंधित सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। यूपी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रिसमस यानी 25 दिसंबर की रात से ही रात का नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया। जी हां, कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 12 बजे तक लागू कर दिया। इसके साथ उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार ने आज से 2 जनवरी तक कई तरह के बैन लगाने की घोषणा कर दी है। राज्य में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। इसमें क्रिसमस के मौके पर चर्च से 50 लोगों की एक साथ जाने के साथ अनुमति दी गई है और क्रिसमस का जश्न उन गिरजाघरों तक ही सीमित रहेगा। और इधर बात करें एमपी के, मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एहतियात के तौर पर राज्य में 11 के साथ ही सुबह 5 बजे तक रात का नाइट कर्फ्यू लगा दिया और लोगों की कोविड 19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए सलाह दी गई। साथ ही साथ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्मारती में भी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक यात्री कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और साथ ही अन्यथा राज्य सरकार को कदम उठाई जाएगी। पुंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पुंडुचेरी के लॉकडाउन को 2 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। रात का कर्फ्यू के साथ प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि क्रिसमस के पूर्व संध्या और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर रात के कर्फ्यू पूरी तरह से ढील दी जा रही है। नए साल के मद्देनजर 30 दिसंबर को भी और 31 दिसंबर को रात के समय की कर्फ्यू में 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक ढील दी जाएगी। इन दिनों सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। नई दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट 25 और 26 दिसंबर के वीकेंड पर ऑड इवन के हिसाब से काम करेगी, यानी शनिवार 25 दिसंबर और रविवार 26 दिसंबर को यहां पर दुकान ऑड इवन के आधार पर खुलेगी। सरोजनी नगर मार्केट में जारी भीड़ की तस्वीरें वायरल हो रही थी, इसके बाद प्रशासन और डेटर्स के साथ ही बीच बैठक हुई और यह फैसला लिया गया। भारत में ओमिक्रॉन मामले, भारत के 17 राज्यों में आए 358 मामले, 114 के साथ ही संक्रमित ठीक हो चुके और 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव भारत में पाए गए हैं। 121 का विदेश यात्रा इतिहास रहा है और 44 का कोई यात्रा इतिहास नहीं था। 18 मामलों में कोई सूचना नहीं मिली है। बूस्टर डोज पर विचार, कई देशों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज देने का फैसला लिया है। अब भारत सरकार की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है और कहा जा रही है कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज को लेकर गंभीर हो रही है। इस पर मंथन भी शुरू हो गया है। एक स्टडी के आधार पर सरकार फैसला लेगी कि देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की जरूरत है या नहीं। अब यही जानने की जिम्मेदारी ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को दे दी गई है। इंस्टीट्यूट 3000 से उन लोगों को बूस्टर डोज देगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन दोनों डोज पहले से ही ले चुकी है। साथ ही बूस्टर डोज देने के बाद इस पहलू पर रिसर्च की जाएगी कि अतिरिक्त वैक्सीन देने से इम्यूनिटी में सुधार आता है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने हमारे साथ जीरो पॉइंट में। नमस्कार।